नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। हम दिनों दिन तरक्की कर रहे हैं। आधुनिकता की दौड़ में संयुक्त परिवारों का प्रचलन लगभग खत्म हो चुका है। आलम यहाँ तक पहुँच गया है कि अब बच्चे अलग और बुजुर्ग माँ बाप अलग अलग मकानों में रह रहे हैं। कई ऐसे परिवारों में तो हालात ऐसे हो गए हैं कि एक घर में रहते हुए भी पारिवारिक सदस्य आपस में बात नहीं करते। इन सब चीजों के पीछे अनेकों कारण हैं, जिन्हें जानने का प्रयास समाचार एक्सप्रेस की टीम ने किया। आपको बता दें कि करनाल में पिछले दिनों में 2 महिलाओं के शव मिले, जो कि अपने अपने घरों में अपने परिवार से अलग रहकर जीवन जी रही थी। उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई इसका पता नहीं चल पाया। मृत्यु हुई है इसका पता भी तब चला जब उनके शव सड़ चुके, उन पर कीड़े चल रहे और शत विशत हुए शव से जब बदबू उठनी शुरू हुई तो इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही शुरू की। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। पुराने समय में एक ही छत के नीचे पूरा परिवार रहता था, सब मिलकर सुख और दुख बांटते थे, लेकिन अब वो समय कहां गया? इसके लिए विचार करना अति आवश्यक है। इस तरह की बातों ने एक बार फिर से हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि इस आधुनिक भारत का विकास हम कहीं अपनी ठोस परंपराओं को तोड़ने की कीमत पर तो नहीं कर रहे। देश की आबादी को 1 अरब का आंकड़ा पार किए हुए काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन फिर भी 1/4 बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या ने उनका अकेलापन दूर करने के लिए अब तक कोई काम नहीं किया है। दिल्ली के एक गैर सरकारी संगठन एजवेल फाउंडेशन ने 10,000 बुजुर्गों को लेकर एक सर्वेक्षण किया। इसके मुताबिक करीब हर चौथा बुजुर्ग इस देश में अकेला रह रहा है। शहरों में 25.3% बुजुर्ग लोग अकेले रह रहे हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में 21.38% बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं। नई पीढ़ी बुजुर्गों से तालमेल ना मिला पाने के कारण भी इनको उनके हाल पर छोड़ देती है। वहीं बुजुर्ग भी कई बार अपने आत्मसम्मान के चलते अकेले रहने की राह चुनते हैं। सर्वेक्षण में पाया गया कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग अकेले रहने या अपने जीवन साथी के साथ रहना ही पसंद करते हैं। इस बारे में समाचार एक्सप्रेस की टीम ने करनाल के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार से खास बातचीत। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। करनाल से तरुण मदान की विशेष रिपोर्ट। मैं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। यहाँ मैं आज आपको एक ऐसे वाक्य के बारे में बताना चाहूँगा या एक ऐसी स्थिति और एक ऐसी विडंबना के बारे में बात करना चाहूँगा जो कि हमारी सामाजिक संवेदनाओं से जुड़ी है और हमें झंझकोर देती है। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले भी सुना था कि करनाल में एक 75 वर्षीय महिला की डेड बॉडी मिली थी उनके अपने घर में, और इससे भी कुछ महीना पहले एक अन्य सेक्टर के अंदर भी एक महिला की लाश मिली थी गली सड़ी अवस्था में। हालांकि इनका इसका पता तब चला जब पड़ोसियों को उसकी बॉडी में से स्मेल आनी शुरू होगी। ये भी सुनने में आया था कि जो पहले लाश मिली थी, पहले डेड बॉडी मिली थी, उस डेड बॉडी पर कीड़े चल रहे थे, इवन कि कुत्ते और बिल्ली भी उसको नोच चुके थे। ये संवेदनाएं क्यों खत्म हो गई? बच्चे क्यों माता पिता से अलग रहने लगे? माता पिता क्यों बच्चों से अलग रहने लगे? क्या हम इस आधुनिकता के दौर में इतने आगे जा चुके हैं कि हमारी सामाजिक संवेदनाएं खलुप्त होती जा रही हैं? ऐसे में बच्चों की मनोस्थिति क्या होती है? माँ बाप की मनोस्थिति क्या होती है? आखिर क्या कारण है कि बच्चे और माँ बाप आज एकल परिवार जो संयुक्त परिवार की जगह एकल परिवार में व्यस्त रहने लगे हैं? इसके बारे में, मनोस्थिति के बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं करनाल के वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार जी। आइए मैं इनसे बात करने का प्रयास करूंगा, आखिर क्या कारण बन जाता है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस। नमस्कार जी। जैसा कि आपने भी सुना, हमने भी सुना, आपने पढ़ा भी और हमने भी पढ़ा कि करनाल में ऐसे 2 वाक्य हो चुके हैं जहाँ पर हमें बुजुर्ग महिलाओं की डेड बॉडी मिलती है उनके घरों से, और देखने में ये आ रहा है कि उन बुजुर्गों की सुध लेने वाला भी कोई नहीं था। पड़ोसियों ने पुलिस को तब सूचित किया कि जब वो वहाँ से बदबू आनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इससे पहले पड़ोसियों ने कोई सुध नहीं ली। उनके अगर परिजन थे तो उन्होंने सुध नहीं ली होगी, तभी उनको 2-3 दिन अकेले रहना पड़ गया। आखिर ऐसा हम आधुनिकता में इतना आगे किस क्यों भागे जा रहे हैं कि हम ना तो बुजुर्गों का ख्याल कर पा रहे हैं? ऐसा क्या कारण हो सकता है? देखो, आधुनिक समाज में कहीं ना कहीं एक सामाजिक पतन की ओर इशारा करती हैं हमारे जो इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं, और दूसरा कहीं ना कहीं कमियां हमारे भी हैं। कुछ थोड़ा सा बुज़ुर्ग लोगों को भी हमारे को थोड़ी सी कुछ समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि
अभी इन सब में क्या है कि हमें आपस में परिवार में तालमेल एडजस्टमेंट बैठा के रखने की बड़ी ज़रूरत होती है। जो युवा पीढ़ी है उसकी कुछ मजबूरियां हैं, कुछ थोड़े से ख्वाब हैं। मजबूरियां ये हैं कि उन्हें रोज़गार की वजह से या किसी और मजबूरी की वजह से कई बार परिवार से अलग होना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में बेहतर ये है कि बुज़ुर्ग साथ चले जाएँ, उनके साथ रहें ताकि उनकी देखभाल भी होती रहे। कई बार मजबूरी इतनी होती है युवा वर्ग की कि मतलब वो चाहकर भी वो उस शहर में नहीं रह पाते जहां वो पैदा हुए होते हैं, जहां उनके बुज़ुर्ग रह रहे होते हैं। तो उस स्थिति को समझते हुए भी बुज़ुर्गों को भी उनके साथ चले जाना चाहिए। कई बार युवा पीढ़ी या थोड़ा सा धन कमाने की लालसा में या किसी तरह से परिवार के बुज़ुर्गों के साथ में उनका मन नहीं मिलता है, तो उस वजह से भी कई बार वो दूर चले जाते हैं। थोड़ा धन कमाने की लालसा में, जैसे आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि सब फ़ौरन चले जाते हैं, कोई कनाडा, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई कहीं चले जाता है, पीछे से बुज़ुर्ग अकेले रह जाते हैं, उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फिजिकल प्रॉब्लम्स, दूसरी शारीरिक स्थितियाँ, कुछ मानसिक परिस्थिति बदलने लग जाती है, जिसके लिए फिर बुज़ुर्ग जो है अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते और उनके साथ में कोई इमोशनल इवन देन वेंटिलेशन करने वाला भी कोई नहीं होता। तो उन लोगों को थोड़ा सा, ऐसे लोगों को लेके हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमें आपस में बैठ के सभी को, परिवार को एक आपस में एक तालमेल बैठाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जनरेशन गैप है युवा पीढ़ी में बुज़ुर्गों के बीच में। 20-30 साल का एक आम बात है कि एक जनरेशन के बीच में गैप होता है। तो इस समय के बीच में हमारा समाज बड़ी तेज़ी से बदल रहा है, बट हम अपने आप को उतनी तेज़ी से नहीं बदल पाते। तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर विचारों के तालमेल की कमी, ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। सर, जैसे ये है भी, अब तो पड़ोसी भी पड़ोसी की सुध नहीं लेता, हम भी सेक्टरों में रहते हैं, जीवन शैली लगभग आधुनिकता में आधुनिकता की ओर चलती जा रही है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि हाँ, ये धीरे धीरे सामाजिक संवेदनाएं और पड़ोसी से पड़ोसियों का नाता खत्म होता जा रहा है या कम होता जा रहा है? देखो, जैसा कि मैंने बताया कि सामाजिक पतन तो जारी है। इस आधुनिकता के युग में हमारे जो रिश्तों के अंदर जो पहले जो गर्माहट होती थी, जो एक हम बैठते थे, एक जो छुट्टी के दिनों में बच्चे कभी नाना के इधर कभी दादा के इधर एक खुशी से जाते थे, आज ये सब चीज़ों की जगह हमने टीवी, मोबाइल, इन सब चीज़ों ने ले ली है। इन सब चीज़ों से वो व्यस्त तो हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर एक परिवार के प्रति जो एक मोह है वो ख़त्म हो गया है। उसका नतीजा ये है कि यदि बुज़ुर्ग घर में आ भी जाते हैं तो उन्हें वो रिगार्ड नहीं मिलता, उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती, जिसके वजह से उन्हें दोबारा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद उन्हें इस घर में आने में झिझक होती है। यदि गलती से बच्चे कभी नाना या दादा के इधर चले भी जाते हैं तो वो उनके साथ ना खेल के या उनके साथ समय ना बिता के वो अपने आप को मोबाइल टीवी तक ही सीमित रखते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते में वो गर्माहट, वो अपनापन नहीं नज़र आता कहीं। सर, एक ये भी था, जैसे कहा जाता है कि बच्चे और बूढ़ों का दिमाग एक जैसा होता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये बात सही है, बुज़ुर्ग व्यक्ति थोड़ा सा अपने विचारों के साथ जीना होता है। जो इंसान इतने समय से एक विचारों के साथ, एक अपनी पर्सनैलिटी के साथ जिया होता है, तो एक जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ जाती है तो वो उसके विचार और गाढ़े होते चले जाते हैं और वो अपने आप को बदलने की चाह कर भी कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ, मैंने आज 60 साल 70 साल का हो गया हूँ, मुझे आज तक किसी से कोई तकलीफ नहीं थी, आज अचानक बच्चों को मेरे से परेशानी होने लगी है। उसको ये लगने लग जाता है कि शायद मेरे बच्चे उदंड हो गए हैं, मेरे बच्चे बदतमीज हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि बुज़ुर्ग का स्वभाव थोड़ा सा बदल जाता है, जिसकी वजह से वो जिद्दीपना पकड़ जाते हैं, वो अपनी सोच के लिए बहुत गाढ़ी सोच रखने लग जाते हैं, वो अपनी सोच को बदलना नहीं चाहते, जिस कारण से बच्चों को भी कई बार उनके साथ में एडजस्टमेंट करने में दिक्कत आती है। तो मैं इसमें ये कहूँगा कि थोड़ा सा बच्चों की मजबूरियों को समझते हुए थोड़ा बुज़ुर्गों को भी अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा हालात के हिसाब से अपने आप को सॉफ्ट कर लेना चाहिए। देखो, दोनों तरफ से ही इसमें रिश्ते जब चलेंगे, दोनों तरफ से ही मजबूतियाँ आएंगी, तभी रिश्ता मजबूत बनेगा। और इसी एक बुज़ुर्गों का कहीं ना कहीं ये लगता है कि शायद बच्चे जो है हमारे से दूर होता जा रहा है और ये हमारी केयर करना नहीं चाहते, ये जानबूझ के हमारे को जो है नेगलेक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनके अंदर स्वभाव में बदलाव आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो जिद्दी बनने वाला जो स्वभाव है बच्चे के अंदर जिस तरह से होता है, उसी तरह का उनका भी स्वभाव बनता चला जाता है। कुछ केसों में ये भी देखने को आया कि जो बुज़ुर्ग हैं वो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों ही गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हैं, उन्होंने अपने जीवन में अपनी कमाई से अपना घर बना लिया, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हम दोनों मियाँ भी खुश हैं, बच्चे अगर बाहर हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बारे में आपको नहीं लगता कि हाँ, अगर वो बुज़ुर्ग होते जा रहे हैं तो समय समय पर उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है? हाँ, वो ठीक है कि देखो, चलो वो आर्थिक रूप से तो हो सकता है कि वो सुदृढ़ हों, लेकिन कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वक्त के साथ में उनके अंदर कमजोरी आती है। हमारे पास पैसा है, लेकिन पैसा हमारी शारीरिक जरूरतें तो
पूरी कर सकता है बट हमें शारीरिक रूप से मजबूत नहीं कर सकता वो हमें। वो हमारे को खाना दे सकता है, वो हमारे लिए लग्जरी तो ला सकता है पैसा, लेकिन जो हमारी शारीरिक हमें जो मदद चाहिए वो पैसे से हम लोग नहीं खरीद सकते। इसके लिए ज़रूरत है कि परिवार के जो बच्चे हैं थोड़ा सा उनकी स्थिति को समझते हुए थोड़ा सा उनका साथ दें, ताकि जिससे कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सके। सर एक ये भी प्रचलन अब चल गया कि जो संयुक्त परिवार है वो टूटने लग चुके हैं, अलग अलग रहने लग गए हैं। और एक ये भी आता है कि शादी के बाद अक्सर माँ बाप को ऐसा लगता है कि अब हमारा बच्चा हमारे से अलग होने लगे, हमारा लड़का बहू की ज़्यादा मानता है। और ऐसे केसेस आपके पास भी लगातार आते भी हैं, देखते भी होंगे, आप लोग स्टडी भी करते हैं, क्या इस ये भी कारण है कि माता पिता के अलग होने का, बुजुर्गों का बच्चों से अलग होने का? देखो अक्सर क्या होता है कि शादी के बाद में जो मेल मेंबर है उसकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। पहले वो माँ बाप के प्रति जवाबदेह है, माँ बाप ही उसकी जिम्मेदारी हैं, फिर घर में अचानक एक नए जैसे उसकी वाइफ है उनकी एंट्री होती है, तो उसकी जिम्मेदारी वहाँ भी उसकी बराबर बन जाती है। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स की तरफ ध्यान कम दे पाता है, तो बुज़ुर्गों को ये लगने लग जाता है कि शायद बच्चा अब हमारे कहने से बाहर चला गया और वो तो अब बहू के कंट्रोल में आ गया, जबकि ऐसा नहीं होता। उन्हें थोड़ा समझना चाहिए कि अब इसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, आज इसके पास इसकी वाइफ है, इसके खर्चे बढ़ गए हैं, कल परिवार बढ़ेगा, इसका भी ये भी परिवार अपना एक्सपेंड करेगा, इसके खर्चे बढ़ेंगे, इसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ती जाएंगी, तो उसको अपनी अर्निंग के लिए, उसके अपने परिवार को स्टेबल करने के लिए, कल को बच्चों की पढ़ाई के लिए उसको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, जिससे कहीं ना कहीं ठीक है वो अपने बुजुर्गों को समय कम दे पाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने बुजुर्गों से दूर हो गया या मन से दूर हो गया है। मन से तो वो साथ है लेकिन उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये लगने लग जाता है, बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअल में। सर आप समाज से क्या अपील करना चाहेंगे कि ऐसे इंसिडेंट दोबारा ना हो, ना ही हमें सुनने को मिले ना देखने को मिले, इसके लिए आप समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? देखो मेरी अपील और मेरी सबसे गुजारिश यही है कि इसमें दोनों तरफ से बच्चे भी और बुजुर्ग भी इस स्थिति को समझें। कई बार बच्चे भी मजबूर होते हैं, वो भी चाहते हैं रहें, लेकिन कई बार बुजुर्ग जो है उस शहर को छोड़ने के तैयार नहीं होते, और कई बार रोजगार की वजह से या किसी अन्य मजबूरी की वजह से बच्चे भी वहाँ नहीं आ पाते, क्योंकि कई बार वहाँ ऐसा साधन ही नहीं होता उस शहर में जिससे कि बच्चे अपना जीवन यापन कर सकें और वो अपने आगे अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें। तो थोड़ा सा बुजुर्गों को भी ये चीज़ समझने की जरूरत है कि यदि ऐसा कुछ है तो बुजुर्ग भी उनके साथ शिफ्ट हो जाएं। जहाँ लग सकता है कि ठीक है बच्चे एक शहर में रह सकते हैं, माँ बाप के साथ रह सकते हैं, उसी शहर में जीवन यापन बहुत बढ़िया चल सकता है, तो कोई परेशानी नहीं है कि उनको वहाँ रहने में। और जहाँ तक हो सके देखो थोड़ा बहुत विचारों के अंदर जहाँ घर में चार बर्तन है थोड़ा बहुत तालमेल बिगड़ता है उनका भी, कहीं कहीं आवाज़ करते हैं वो भी, तो थोड़ा बहुत ये हर घर में होता है, तो उसको चाहे यंग जनरेशन है चाहे बुजुर्ग हैं उन लोगों को थोड़ा सा आपस में ये चीज़ें तालमेल बिठा के एडजस्टमेंट करते रहना चाहिए, न कि हर बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा या हर बात के ऊपर तानेबाजी नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर। सर ये थे हमारे साथ करनाल के वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरेश कुमार। इन्होंने बताया कि सामाजिक तौर पर हम पतन की ओर जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि क्या बच्चों की मजबूरियाँ हैं, क्या बुजुर्गों की मजबूरियाँ हैं, इसलिए दोनों को तालमेल करके अपने परिवार के अंदर सामंजस्य बिठा कर रहना चाहिए, ताकि ऐसे जो हादसे जो हमने करनाल में पिछले 3-4 महीनों में 2 देख लिए, ऐसे हादसे में ना देखने को मिले ना सुनने को मिले। बच्चे माँ बाप की समस्याओं को, मजबूरियों को और उनके वातावरण को समझें, माता पिता बच्चे की जिम्मेवारी, उसकी मजबूरियों और उसके वातावरण को समझें, क्योंकि कई बार घर के अंदर कोई नया सदस्य आ जाता है तो उसके प्रति एक मेल, डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि एक मेल जो है जो घर का मुखिया होता है उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इसलिए बच्चों और माता पिता के अंदर मतभेद तो हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी के साथ समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।